वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन होराइजन। मैं हूं आशीष और हम लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में पन्ना टाइगर सफारी को एक्सप्लोर किया था। मैं अब आपको लेके चल रहा हूं पन्ना सफारी के जस्ट 5 किलोमीटर डिस्टेंस में आगे पड़ता है पांडव फॉल। अब मैं आपको पांडव फॉल के गेट के बाहर लेकर आया हूँ और अब हम लोग यहाँ से अंदर चल रहे हैं और अंदर यहाँ पर आपकी गाड़ी आप ले जा सकते हैं और 250 रुपीज़ की फ़ीस कटती है, मीन्स टिकट मिलता है और उस टिकट को लेकर और आप गाड़ी में 3-4 लोग जितने भी होते हैं आप अपनी गाड़ी लेकर अंदर जा सकते हैं और पांडव वाटरफॉल का को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसा कि मुझे देखिए, ये मैंने 250 रुपीज़ दिए, उन्होंने मुझे टिकट दिया। ये 100 रुपये का टिकट जो है ये गाइड का है, मुझे गाइड भी देंगे ये, और ये 250 रुपीज़ टोटल इन्होंने कॉस्ट की हुई है। अरे पांडव फॉल के लिए हम लोग नीचे जा रहे हैं। यहाँ से नीचे की तरफ कितनी स्टेयर्स हैं ये? 294 स्टेयर्स हैं जो हम लोगों को नीचे जाना है और बाद में नीचे जाके जो नज़ारा मिलेगा हार्ट की शेप में दिखती है ऊपर से और अंडर वाटर 40 फीट डीप है। अच्छा, ठीक है। तो जो मेरे गाइड हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने उसको फ़ोन से बात कर ली है, वो अंदर खड़ा है। ये जो रॉक्स हैं ये रॉक्स में भी पेड़ लगे हुए हैं और उनकी जड़ें दिखाई पड़ रही हैं साफ साफ। तो गाइस ये देखिए वाटरफॉल, यहाँ पे कुछ लोग अपना फोटो शूट करा रहे हैं। फोटो शूट के लिए भी अच्छी जगह है, ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है, अच्छा प्लेस है। ये एक सेल्फी पॉइंट भी है यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। ये वो वहाँ हमारे गाइड हैं जो ऊपर से मैंने बताया था कि नीचे खड़े हुए वेट कर रहे हैं हम लोगों का, इनका नाम है धर्मेंद्र राय। ये अभी यहाँ के बारे में मुझे डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ का क्या कंसेप्ट है, पांडव फॉल नाम क्यों रखा गया है और कितना पहले ये जगह एक्सप्लोर हुई थी। धर्मेंद्र जी आप इधर थोड़ा सा आइए और ये बताइए ये क्या है, यहाँ की कहानी, यहाँ का क्या रहस्य। सबसे पहले सर इस प्लेस का जो नेम है वो पांडव फॉल है। इस वाटरफॉल की हाइट सर 25 मीटर है और इसमें जो पानी आ रहा है एकदम हाईवे के उस तरफ जितना भी माउंटेन है वो पूरा विंध्याचल माउंटेन है। ओके। तो पन्ना में टोटल सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं, उनमें लेयर्स होते हैं, उनमें जो लाइमस्टोन होता है वो बारिश के पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, फिर ग्राउंड वाटर के रूप में रिलीज करता है पूरे साल। तो कहने का मतलब ये है कि किसी नदी नाली का पानी नहीं है, पूरा ग्राउंड वाटर एकत्रित होकर आता है उससे वाटरफॉल बनता है। और पानी सर उस ब्रिज के नीचे से निकल के केन नदी में जाके मिलता है। केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे साफ नदी है और वो पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर से 55 किलोमीटर निकली हुई है और उस नदी का जो प्राचीन नाम है वो कर्णावती है। दूसरा, इस प्लेस का जो इतिहास है वो पांडवों से जुड़ा हुआ है। ऐसी धार्मिक मान्यताएँ हैं कि पांडवों को सर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। उनका जो अज्ञातवास था उसकी स्टार्टिंग में कुछ समय यहाँ बिताया था उन्होंने, यहाँ के बाद ही वो राजा विराट के यहाँ गए थे। विराटनगर ऊपर जो उसका टेम्पल बने हुए हैं वो पांडवों की प्रतिमाएं और एक शिवलिंग है वहाँ पे, लेकिन जिस जगह पे वो टेम्पल है वो नेचुरल केव है जो बची हुई है, बाकी की जो केव थी वो अंदर की तरफ थी, लेकिन लाइमस्टोन का साइज बढ़ने की वजह से वो केव अपने आप ही बंद हो गई है। ये सब बाद में यहाँ के जो राजा थे, आपने शायद महाराजा छत्रसाल का नाम सुना होगा, ये उनका सर फेवरेट हंटिंग प्लेस था,
तो जो पांडव केव थी उसको ही उन्होंने अपना हंटिंग लॉज बनाया हुआ था, जिस वजह से केव आर्टिफिशियल दिखने लगी है, वहाँ की जगह नेचुरल है सर। और इस प्लेस का जो मेन पॉइंट है सर वो झरना है, इसके ऊपर पानी का कोई भी सोर्सेस नहीं है, ये अंडरग्राउंड स्प्रिंग वाटर है। ये बरसात जो हो रही है लाइमस्टोन की वजह से हो रही है सर, ये बरसात के पानी को ऑब्जर्व करके फिर ग्राउंड वाटर के रूप में रिलीज कर रहा है उसे। अरे पानी सर पीने लायक होता है क्योंकि लाइमस्टोन से जहाँ भी पानी आता है वो नेचुरल फिल्टर होकर आता है। और दूसरा ये फॉरेस्ट है तो ये काफ़ी जड़ी बूटियों से होकर आ रहा है, जिस वजह से मिनरल्स हैं इसमें, ये पाचन शक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। इनके वजह से जो स्क्रैचेस हैं सर वो सब भालू के हैं, भालू के ऊपर अपनी देखेंगे एवरी नाइट मूवमेंट है सर यहाँ भालुओं का, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं और भालुओं को शहद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, इस वजह से आते हैं। तो भालू डेली यहाँ गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, तो भालू की जो नॉक्टर्नल स्पीशीज है सर वो दिन में नहीं आता है, नॉक्टर्नल स्पीशीज है। अच्छा, रात से जानवर में। और यहाँ पे सर चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आ चुके हैं, उन्होंने 4 सितंबर 1929 को एक मीटिंग की थी यहाँ पे आके 13 क्रांतिकारियों के साथ, और मीटिंग करने का उद्देश्य था आस पास के लोगों को जागरूक करना, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पार्किंग में उनका वो स्टैचू लगाया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, वो इसीलिए लगाया हुआ है। तो जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने बताया यहाँ की इसकी जो भी स्टोरी है उसके बारे में इन्होंने बताया, और ये बड़ी इम्प्रेसिव स्टोरी है, बहुत ही इम्प्रेसिव स्टोरी बताई है इन्होंने। और इस जगह का जो भी हिस्ट्री रही है बहुत एंशियंट टाइम से रही है, और आज की जगह आज के टाइम में ये जगह जो है लोग एक्सप्लोर करने आते हैं, देखने आते हैं, क्योंकि उनका इस धर्म ग्रंथ से बहुत जुड़ाव है, पुराने जो धर्म ग्रंथ हमारे महाभारत और वगैरह हैं। और जैसे गाइड साहब ने बताया कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो ऊपर से पानी फॉल से गिर रहा है, ये पानी लोग यहाँ पे बॉटल्स में अपने घर में भर के ले जाते हैं, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही कारगर दवा के रूप में लोग यूज़ करते हैं इसको। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब यहाँ पे ये जो स्टेयर्स हैं यहाँ पे हम लोग ऊपर जाने का ये वे था, अभी कुछ भी रीज़न से फिसलन बहुत हो गई है यहाँ पर, जो ऊपर से पानी लगातार गिरता रहता है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत फिसलन है, बहुत काई है, जिससे लोगों के गिरने का और किसी की चोट लगने का बहुत डर है। इसलिए यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसको जगह इस स्टेयर को यहाँ से बंद कर दिया है ताकि कोई ऊपर ना जा सके और अगर और ना ही कोई दुर्घटना हो सके। लेकिन अगर इसमें अगर हम लोग ऊपर जैसे मैं पिछली बार गया था तो आगे जाके जो लाइम स्टोन की जो केव्स हैं उसके अंदर एक शिव जी का मंदिर भी है और वहाँ भी कुछ केव्स हैं जो अंदर तक हैं, लेकिन लाइम स्टोन के गिरने की वजह से वो केव्स आगे से बंद हो गई है। ये वही केव्स हैं जिसमें पांडव जो 5 भाई थे उन्होंने जब उनका बदमाश हुआ था 14 वर्ष का तो उस टाइम पे वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने कुछ टाइम पे यहाँ पे अपना समय बिताया था। तो ये उसी टाइम की केव्स हैं जैसा कि मुझे अभी यहाँ के जो गाइड हैं उन्होंने बताया। तो देखिए यहाँ पानी ऊपर से गिर रहा है, बूंद बूंद करके गिर रहा है पानी। ये जो पेड़ है ये वाले पेड़ जितने भी हैं जितने भी आसपास ट्रीज हैं इसमें भालू के चढ़ने के निशान हैं, क्योंकि भालू हनी बहुत पसंद है, भालू को तो हनी बहुत खाता है, तो हनी के लिए वो जिन पेड़ों पे छत्ते लगे होते हैं मधुमक्खियों के जो इसमें लगा हुआ है ऊपर, तो उनसे वो भालू चढ़ता है सिर्फ शहद खाने के लिए। दिखाता हूँ आपके बियर मार्क, पांडव वाटरफॉल से बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ दिखाया और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में थी वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी यहाँ की।
वाटरफॉल लेकिन बहुत प्यारा है यहाँ। तो अभी अपना ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।